मैं बात ही तो करने गई थी उनसे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती तनु आ गए और उन्हें अपने साथ ले गए। जीजू किसके पति है? दी के। सबसे ज्यादा हक किसका है? दी का। और अपने दिल की बात नहीं बता पाई, इसमें गलती किसकी है? दी के। तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो किस मिट्टी से बनी है दी? वो तनु तेरे सामने जीजू को लेकर गई और तू कुछ कर ही नहीं पाई। देख दी, वो तनु ना जीजू पर अपना हक जताना चाहती है और तू तू बस यहाँ कोशिश कर रही। देख दी, तनु ने जो करना था वो कर लिया, अब तेरी बारी। तू जाकर उस तनु को बता दे कि तू तू जीजू की वाइफ है और उनके साथ बैठने का, उनके साथ बातें करने का, उनके साथ घूमने फिरने का हक सिर्फ तेरा है। देख दी, इससे पहले कि वो तनु जीजू को और दूर लेकर जाए, तू जाकर अपने दिल की बात बता दे। अपॉन, मुझे इनसे बात करनी हो, बाकी जो होगा वो देखा जाए। गो, ऑल द बेस्ट। बाय, ऑल द बेस्ट। पता नहीं कहाँ चले गए। सब तेरी गलती, तूने जीजू को जाने क्यों दिया? अब पता नहीं वो तनु जीजू से क्या बात करेगी। तू टेंशन मत ले, देख वो वापस आएंगे ना तो मैं बात कर लूंगी उनसे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दी? इतना अच्छा मौका तूने गवा दिया और अब देखना वो तनु ना ये मौके का पूरा फायदा उठाएगी। तनु जीजू से क्या कहेगी? दी, तूने जीजू के साथ फेरे लिए, ऐसे में इंसान अपनी शादी से कनेक्ट करता है। शायद जीजू भी वही सोच रहे होंगे। तुझे ना जीजू को कह देना चाहिए था, पता चला जीजू मान जाते। मैं बात ही तो करने गई थी ना बुलबुल, लेकिन वो जब सामने आते मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। जब उनके सामने जाती हूँ ना हालत ही टाइट हो जाती है, हिम्मत साथ नहीं देती, कुछ बोलने जाती हूँ तो जुबान साथ नहीं देती, कुछ समझ में नहीं आता बुलबुल। सो ऑन द होल तू नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ, मैं बोलूंगी ना। देख बुल, अब की बार वो सामने आएंगे ना, मैं आओ देखूंगी ना, ताओ जो मन में आएगा आंखें बंद करके बोल। लेकिन नहीं बुलबुल, देख बुलबुल तू गुस्सा मत कर, तू गुस्सा करती है ना तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है, गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन तू नर्वस मत हो, लेकिन इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए, बहाने नहीं चाहिए, समझी? वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी। कैसे हो तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मुझे क्या होना है, तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा ना, आप मोहल्ले की लोहड़ी मिस तो नहीं करी? मैं क्यों मोहल्ले की लोहड़ी मिस करने वाली हूँ? वैसे भी जिस घर की बेटी अपने ससुराल में इतनी खुश होती है ना, उस घर में तो हमेशा लोहड़ी और दिवाली रोज ही मनाए जाते हैं, फिर कोई खास दिन थोड़ी ना मनाना है त्योहार। कुछ समय पहले मैं सोचती थी कि कब तेरी शादी होगी और कब तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, और देख आज तेरे ससुराल में हम तेरे साथ लोहड़ी मना रहे हैं। तुझे पता है ये जो लोहड़ी की आग है ना, इसके आसपास जब पति पत्नी फेरे लगाते हैं ना, तो पति पत्नी के बीच का रिश्ता जो मैं कब से दी को यही बोल रही हूँ कि अपने दिल की बात मतलब? बात नहीं, बच्चे, ये बच्चों के बारे में बात कर रही थी। बुलबुल के कहने का मतलब है कि जब घर में बच्चे आएंगे तभी तो पति और पत्नी एक होंगे, है ना बुलबुल? हाँ हाँ बेटा, वो बात तो सही है, बच्चों के आने से ही तो परिवार पूरा हो जाता है। वैसे भी जब बच्चे घर में आते हैं ना तो पति पत्नी और करीब आ जाते हैं। सरला, लगता है बीजी बुला रहे, मैं आती हूँ। हाँ जी, आई बीजी। तुम स्मार्ट नहीं हो तो बनने की कोशिश क्यों करते? तुम तो बड़ी स्मार्ट हो ना, अगर अभी मैं बात ना बदलता ना तो तुम मुश्किल में आ जाती। अच्छा, बड़ी संभाली तुमने बात, प्रपोजल तक नहीं पहुंची और तुम बच्चों की बात कर रहे हो। तो क्या हुआ, पहले प्रपोजल होता उसके बाद ही तो बच्चे होते हैं। मैं अभी कितनी मुश्किल से मैंने इसे मनाया था, तुमने सब पानी फेर दिया, फिर से उसको नमस्कार दिया, जाओ तुम। कहीं मैंने सच में कुछ गलत तो नहीं कह दिया? बीजी, कितना अच्छा लगा ना जब हमारी प्रज्ञा और अभी ने इस लोहड़ी की आग के आसपास फेरे लिए, इस तरह फेरे लेते देख मुझे उनकी शादी याद आ गई। अब प्रज्ञा की शादी याद आ गई है तो उसकी विदाई भी याद आ जाएगी। देख रही है ना बुलबुल अपनी माँ को, रोज किसी ना किसी बहाने कुछ याद करके आंखों से जब तक ये आंसू ना बहाए ना कुछ चैन नहीं पड़ता। अरे सरला, देख ना कितना खुशी का माहौल है, ऐसे में तेरे आंसू देखेंगे तो माहौल खराब नहीं होगा? नहीं दीजिए, मैं माहौल को खराब कर रही, ये तो खुशी के आंसू है।
दीजिए आप ही बताओ, मेरी बड़ी बच्ची अपने ससुराल में इतनी खुश है, दूसरी की सगाई होने वाली है और मुझे पता है उसने ससुराल में बहुत खुश रहना। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। सब कुछ मेरे सामने हो रहा है बीजी, लेकिन सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। सरला, ये सपना नहीं हकीकत है और ये मैं तुझे अभी बताती हूँ। ओ बुलबुल, तेरा वो होने वाला पति कहाँ है? पता नहीं दादी, यहीं कहीं होगा आसपास। जा जा, उसको बुला के ला मेरे सामने, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि तू और पूरब दोनों मिलकर लोड़ी के सामने फेरे लो, जैसे अभी और प्रज्ञा ने लगाए, ताकि तेरी माँ को यकीन आ जाए ये सपना नहीं सच है। और इसी बहाने अगर रोना है तो रो भी लेगी। जैसे पहली बार बीजी आपने मेरी मन की बात की है। जा, जाके पूरब को बुला। सच माँ? हाँ बेटा, जो रिश्ता शादी के बाद पक्का होने वाला है वो अभी से अटूट हो जाएगा तो उसे कोई नहीं तोड़ सकेगा। जाके फटाफट बुला ले उसे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, मैं भी उसे बुला कर लाती हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके पूरब, तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलो। माँ बुला रही मुझे। हाँ क्यों? वो प्रज्ञा दी और जीजू फेरे लेने वाले हैं, तो माँ ने कहा कि हम दोनों भी लोड़ी के फेरे ले ले। ओ, फेरे लेने होंगे हम दोनों। इधर आओ। पूरब ये तुम क्या कर रहे हो? पूरब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि तुम वाकई में फेरे लेना चाहती हो। हाँ बिल्कुल। Are you sure? एक बार फिर से सोच लो। पूरा अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, फेरे लेने हैं तो लेने हैं, लेकिन तुम कुछ और तो नहीं सोच रहे? देखो जो भी बताना है साफ साफ कहो, because I hate puzzles। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने फेरे ले लिए ना तो मेरे हिसाब से हमारी शादी हो जाएगी, और अगर शादी हो जाएगी तो उसकी अगली रस्म भी निभानी पड़ेगी, वो मैं अभी निभाऊंगा। शादी की बात वाली रस्म? सुहागरात। शादी की अगली रस्म सुहागरात ही होती है ना, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे दिमाग में शादी की बात आ जाए ना तो फिर मैं तुमसे ना नहीं सुनूंगा। जब भी मैं तुम्हारे सामने आऊंगा ना मुझे बस वो याद रहेगा, तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना। पूरब ये तुम क्या बोल रहे हो? फेरे लेने के लिए तुम बोल रही हो, मैं कुछ भी बोलता हूँ, कैसी बात है? फेरे लेने से शादी नहीं हो जाती। तो फिर नहीं लेते ना, फिर क्या जरूरत है फेरे लेने की? कैसा बचपना है पूरब। बच्चे ऐसी जिद नहीं करते, इस बात की जिद तो बिल्कुल नहीं करते। देखो दादी ने कहा है तो फेरे लेने होंगे। अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ फेरे लेने के लिए, चलो अभी ले लेते हैं फेरे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर फेरे ले ली तो मेरे हिसाब से शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद ना तुम मुझे अपने पास आने से रोक नहीं सकते। पूरा बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी खामोशी को हाँ समझो। बिना मेरे सवाल का जवाब दिया आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जवाब तो तुम्हें देना होगा। मैं कुछ नहीं बोलने वाली, फेरे लेने तो बता वरना मैं माँ को चक्कर बता दूंगी। अरे माँ को बीच में लाने की क्या जरूरत है, तुम मेरे से बात करो ना। तो तुम शादी को बीच में क्यों ला रहे हो? वो तो मैं ऐसे ही मजाक। हाँ, वो तो मैं ऐसे ही मजाक। अब चलो। अच्छा सुनो, एक किस तो दो। थोड़ी देर पहले तो दी थी, वो इतनी सी जो तुमने यहाँ पे मुझे टच किया था, तुम उससे किस कहती हो? शादी से पहले इतनी सी मिलती है। क्या बोल, इस गर्ल पे दी थी, अब इस गर्ल पे दो ना, वरना ये वाला नाराज हो जाएगा। नाराज होता है तो होने दो, शादी तक मान जाएगा वो। तुम मेरा गुस्सा मेरे गाल पे क्यों निकाल रही हो? किस दे दो ना, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि तुम्हारा गाल तुम्हारे जैसा ही जिद्दी। जिद्दी है, तुम्हारे जैसा खड़ूस तो नहीं है कम से कम? मैं खड़ूस हूँ। ऑफ कोर्स। तुम्हारा शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तुम क्या करोगी? कितना ड्रामा करते हो तुम पूरा। मैं ड्रामा करता हूँ? हाँ। मैं तुम्हारे सामने भी ड्रामा कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ठीक है मैं यहाँ पे रहता ही नहीं, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, तुम्हें जो करना है। ठीक है ठीक है, ओके ओके। तुम अपने आंखें बंद करो। क्यों? वो मुझे शर्म आती है। बुलबुल मुझे शर्म नहीं आती। पूरो प्लीज। बुलबुल किस चाहिए ना? चाहिए तो आंखें बंद करो। नहीं। ओके अच्छा ठीक है। नो चीटिंग पूरा।